सोलो भी रहेगा। रुलाना नहीं, मैं रुलाऊंगी। अरे तुम रो रहे हो, हम लोग ने फोन किए तो आगे मिल लिए। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत टाइम बाद हम लोग सब कजिन बहन लोग साथ में आए, अपने अपने उन लोग अपने अपने बच्चों को लेकर आए, और हम लोग सब लोग बहुत बहुत सालों बाद ऐसा आए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। अभी फिलहाल हम लोग मतलब सब लोग यहाँ पे खाना नहीं खा रहे, नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। तो यहाँ पे है निधि जो मेरी बड़ी बहन की लड़की है, पे है ऋषभ जो मेरी बड़ी बहन का लड़का है, चलो गेट लॉस्ट। यहाँ पे दिव्या सारा को संभालते हुए, यहाँ पे है दिशा जो पूरा आज तेल बाल में एक ही साथ भर के आई है, यहाँ पे है भाभी, यहाँ पे है मेरी सबसे बड़ी बहन ममता भाई, यहाँ पे है मिसल पाव खाने आ जाओ गाइस, और यहाँ पे है महिमा, वहाँ पे है दूसरी भाभी ध्यान नीचे खेलते हुए, और मेरा एक भाई भी आया है गाइस जो कि कहाँ पता नहीं कहाँ गायब हुआ, और हाँ यहाँ पे मेरी बहन माधुरी। यस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट? तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के ममता जो भाई है हम लोग मतलब सबसे जो बड़ी बहन है उसने हम लोग सब लोग के लिए नाश्ता बना के लाई थी, तो हम लोग ने वो खाया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी यहाँ पे हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं, और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मतलब हम लोग बचपन में साथ में होते थे सब, अभी शादी होने के बाद सब अलग अलग हो गए, लेकिन अभी बहुत मज़ा आने वाली क्योंकि हम लोग इतने टाइम बाद मिले, हम लोग बहुत सारे गेम, और ये बच्चे लोग को पता नहीं क्यों लेकर आए हैं, नॉनसेंस। तो अभी हम लोग बहुत सारे गेम्स भी खेलने वाले, तो आपको सब कुछ बताऊँगी, सो स्टे ट्यून। यहाँ पे फुगे वाला आ गया। ओ भैया, हमको नहीं चाहिए फुगा, आप जाओ। अरे क्लैप क्लैप मम्मा, क्लैप 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 क्लैप, अरे वाह। गाइस, सारा ने रेड पहनी है तो रेड बलून, आध्या ने येलो पहनी है तो येलो बलून, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इस यहाँ पे ममता भाई ने स्पेशली मेरे लिए कैरी लेकर आए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और उसके साथ नमक मिर्ची भी। थैंक यू बहन। व्हाट टाइम पर आया करो, मैं तो टाइम पे आ गई, 6 बजे से मैं इधर ही हूँ। इस अभी हम लोग खेल रहे हैं डॉग इन द बोन, यहाँ पे हम लोग की टीम है, यहाँ पे दूसरी बहन लोग की टीम है, बहन और भाभी की, और उठाना ये, अरे रुमाल नहीं है क्या, रुमाल ये क्यों उठाएंगे? व्हाट मैन, तो अभी ये उठाएंगे। यहाँ पे टीम टीम ए और टीम बी। तो गाइज, अभी हम लोग गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे राउंड वन स्टार्ट हो गया था, और फर्स्ट राउंड में ममता भाई और दिव्या दोनों थे कॉम्पिटिटर एक दूसरे के, और देखो एंड में जीता कौन। यहाँ पे दोनों बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दे रहे थे, और गाइज ये हम लोग के फैमिली का फेवरेट गेम है, तो हम लोग बस सोच रहे थे कौन उठाएगा कौन उठाएगा, लेकिन ममता भाई ने बहुत स्मार्टली जीत गया ये राउंड। फोर आउट, तीन माइका वॉशेज नानी का घर। ये गोल गोल घूमने का, रुकने का नहीं। सो गाइज, यहाँ पे लोग का राउंड बहुत लंबा चल रहा था, और यहाँ पे सारा और आद्या खेल रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे निधि ने उठा के वो भाग गई कोई दूसरी जगह पे, क्योंकि लोग का हो ही नहीं रहा था राउंड कम्प्लीट। फिर गाइज, उसके बाद हम लोग ने सेकेंड गेम स्टार्ट की, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो फर्स्ट राउंड हम लोग की टीम जीत गई, और बड़ी खुशी। तो ओहो। सो गाइज, अभी मैं घर से फाइनली निकल कर आ गई हूँ, बहुत ही अनोखे लोगों को मिलने जिनके बारे में आप लोग ने सोचा नहीं रहेगा कि उन लोग रहेंगे आज के ब्लॉग में। ये रहे चंगू एज यूजल बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए, एंड ये रहे मंगू यहाँ पे। हाँ आजकल लेकिन बहुत स्नैपचैट पे फ्लॉन्ट कर रहे हो तुम जबरदस्ती का। खुद को भी पता नहीं, इतना सोच सोच के बता रहे।
तो गाइज अभी मैं आई हूँ इन लोगों को मिलने के लिए, लोग कुछ काम से आए थे यहाँ पे, तो मैंने सोची इन लोगों को मिल लूँ। क्या हो गया, घर लेने का सोच रहे हो? भाई सोच रहा हूँ ताकि तुम हमेशा आ सको, इस वजह से यही घर ले ले। अबे बोलती थी तुम ही दिला अच्छी, मैं बोल रहा हूँ तुम रेंट पे ले लो, यहाँ पे 3 BHK 4 BHK रहते हैं यहीं पर। हाँ और तू वहाँ पे सब छोड़ के यहाँ पे आओगे रहने के लिए? पूरा घर लेकर आऊंगा। कैसे घर पे कैसे सब लोग? नहीं लेकिन मैं आई नहीं ना बहुत टाइम से, तो कैसे घर पे सब लोग? हैफा आंटी, बिलाल भाई, जाहिद भाई, तुम्हें बुला रहे नहीं हो ना, तो इसके हम लोग नहीं आ रहे। तुम लोग बुलाए नहीं यार, अरे तुम लोग अपने कामों में बिजी हो, रह रहे नहीं है घर में खुद के, तो वही तो बोल रही हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, 2 दिन से तो घर नहीं जा रहे, श्वेत की शादी है। लेकिन तुम अभी से इतना घूमोगे तुम्हारे शादी तक का चेहरे पे ध्यान दो। शादी का नूर है वो कहीं जाता नहीं है, वो वाली में वो हल्दी के बाद आता है नूर, हल्दी के बाद चल लड़के को अगर पता चल जाता उसकी शादी होने वाली है कुछ टाइम में, तो लड़के के मुंह पे ग्लो आता ही आता, बोले हाँ यस, मेरे चेहरे पे ग्लो दिख रहेगा। नहीं नहीं मतलब तुम्हारा भी चांस नहीं है, थोड़ा टाइम है। ऐसा रहता है जैसे ही उन लोगों को पता चलता है ना शादी होने वाले लड़की लोग का, हाँ क्योंकि टेंशन में, हाँ किसी और के घर पे जाना पड़ता है ना यार, घर जाके फिर। लेकिन गाइस मुझे एक चीज का ये है, लोगों को डर रहता है कि क्या मेरे ससुराल वाले सही रहेंगे या नहीं। हाँ वही बोलने जा रही थी मैं अभी, प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ, यू गॉट मी, या कपड़ा यानी ये सब सिर्फ मैं कामवाली बन के ना रह जाऊं। हाँ। ये सब टेंशन रहता है लड़की लोग को सही में। लेकिन अगर मतलब लड़का पति अच्छा मिले तो सब कुछ सॉर्ट हो जाता है गाइस, खा लेंगे थोड़ी मार अगर पति रहेगा तो अच्छा। किससे मार, किससे मार, मतलब एक डायलॉग कुछ भी बोलता है। सह लेंगे गम अगर पति अच्छा हो। हाँ सर लेकिन एक बात बताओ, तुम अभी तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी है, तुमने बोले 5 दिन हल्दी खेलेंगे, क्यों 5 दिन नहीं खेल लेना? लेकिन क्यों चेंज द प्लान? 2 दिन ही हल्दी कर रहे यार, पड़ेगा फर्स्ट डे और सेकंड, और यार तुम लोग फिर से वही हरकत कर रहे हो ना, डांस प्रैक्टिस ना कुछ, कब करेंगे कब? फिर टाइम ही कितना भी, टाइम ही एक हफ्ता भी नहीं रहेगा, एक दो हफ्ता भी नहीं रहेगा। कैसा डांस करता हूँ मैं? अबे तुम्हारा ठीक है, सीखने वाले लोग हैं। अभी एक गाना निकाल के रखे वो हरा दुपट्टा, कॉमेडी कॉमेडी सीक्रेट है गाइस, वो स्पेशल परफॉर्मेंस रहेगा ब्राइड के लिए, ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए ओके। लेकिन गाइस डांस निकाल के रखे अभी, अभी कितने मिनट रिकॉर्ड तोड़ डांस करने वाले, 2.5 मिनट का, क्या बात कर रहे हो? 15-20 वाले सेकंड करते थे ना, पूरी स्टोरी बनाए, अरे तो दुल्हन को लेकर बनाए रहोगे ना? अच्छा ओके ओके। तो गाइस हाँ मैं ये बोल रही थी कि मैंने भी एक स्पेशल परफॉर्मेंस सोची हूँ अभ्रेश के लिए। गाना बोली थी ना तुम लोग करने वाले, क्या था वो? कौन सा बोली थी ना तुम लोग करना? अभी मेरे को याद नहीं, तब भी बोली थी ना लिख के ले लो। तो गाइस मैं मेरा एक स्पेशल परफॉर्मेंस करने वाली हूँ अभ्रेश के लिए, मतलब हम लोग की दोस्ती के लिए एक डेडिकेट करेंगे सब दोस्त लोग मिलकर, और मेरा एक सोलो भी रहेगा। मैं रुलाऊंगी, तुमको रोना पड़ेगा, अगर रोने नहीं आया तो भी आंख में से आके हाथ बात मारेंगे हम लोग की, रोज ताले रो तक रोना पड़ेगा। लेकिन एक्साइटमेंट है कि नहीं शादी की? अरे बच्ची फिर क्या एक्साइटमेंट है, बहुत है बहुत है। नहीं नहीं सही बात है, अभी एक नई जिम्मेदारी आएगी तुम्हारे ऊपर। सही बात है सही बात है। कोई कोई दुल्हन रहती है जिन लोगों को खुद से ऐसे बोल देते हैं पहले कि मेरे को जबरदस्ती खींचना, मेरे को डांस करना है। ऐसे कोई कोई दुल्हन लोग रहते हैं। नहीं नहीं सही बात है गाइज, आप लोग बहुत बहुत कुछ देखने वाले, क्योंकि हम लोग मतलब ये इतने टाइम से हम लोग सोच रहे कि शादी शादी शादी, और फाइनली अभ्रेश की शादी है, तो बहुत ज्यादा मजा आने ही वाली है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी तो मैं इन लोगों को आई हूँ मिलने के लिए, अभी अरसू का वेट कर रही हूँ मैं, अरसू आएगा तो फिर मैं उसको मिलूंगी। तुम दो, तुम लोग की शादी हो रही है, तुम्हारी शादी हो रही है, मतलब तेरे को ग्रूम टू क्या बोलते हैं? अरे ग्रूम करना है, पार्टी देना चाहिए, बैचलर पार्टी देना चाहिए, चाहिए तुम लोग को
चलो ठीक है, डन डन। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं, लेकिन सीरियसली मैं बोल रही हूँ, तुम लोग को बैचलरेट पार्टी करनी चाहिए एक बार। बच्ची अभी तुम लोग को हम लोग को दावत आवत भी देने का, अभी ये सब कुछ भी नहीं, हम लोग को टाइम कार्ड कार्ड बन गए, अचानक आके मिल लिए, कार्ड बन गए, हम लोग ने फोन किए तो आके मिल लिए। कैसा कैसा, तो मेरे को सपना थोड़ी आएगा तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम लोग बोलोगे तो हम लोग चाहते दावत तुम लोग को अच्छे से देवे, इस वजह से हम लोग दावत देने ऐसी बोल देते नहीं। अरे दावत देने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है, दावत देने का फिर भी। हाँ ठीक है, दे देना कार्ड, देना मुझे कार्ड चाहिए, जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने आना ही नहीं, कार्ड आना ही नहीं। कार्ड का छोड़ो, कार्ड क्या, कार्ड दूंगा लेकिन हाँ। कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया है। मैंने देखी देखी हॉल का मसला हो गया था, मेरे को पता है, आई नो आई नो। चलो पता होगा हॉल की तरह से, नहीं मुमरा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं गाइस मैंने देखी लेकिन पूरा नहीं देखी, तो गाइस अभी हम लोग वेट करते हैं अर्शु का। नहीं 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 नहीं, हम लोग को मिलके घर पे आ चुकी थी, बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद हम लोग मिले, मस्ती मजाक हम लोग ने किए। अर्शु भी आया था गाइस, लेकिन वो बहुत, उसको लेट हो गया था आने के लिए, तो फिर हम लोग सब लोग ऐसे ही मिले, थोड़ा बात बात किए, थोड़ा चिल पिल किए, एंड फिर उसके बाद अपने अपने घर चले गए। तो अभी तो मतलब बहुत कम होता है, पहले ऐसा होता था गाइस कि हम लोग डेली मिलते थे, बट अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें सबकी लाइफ में बदल रही है, उन लोग के लाइफ में, हमारी लाइफ में, तो ये सब तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।